हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय रेडिएट एकेडमिक क्लासेस। आज बच्चों मैं आपको सभी क्लासों के लिए 9th, 10th, 11th, 12th पॉल्यूशन का ऐसे आपको बता रहा हूँ, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे है। बोर्ड के अंदर तो स्पेशली बहुत ज़्यादा आता है, तो मैं आपको अपनी भाषा में मैंने लिखा है, ये बहुत अच्छे हैंड राइटिंग में। पॉल्यूशन की हिंदी बताऊँगा मैं आपको इस पूरे ऐसे की, और सभी बच्चे साथ के साथ इसको लिखते चले, क्योंकि अभी इसके बाद और भी है। मैं आपको इसके बाद रब करके और थोड़ा सा पार्ट और रह गया है, पॉल्यूशन को कैसे रोका जाता है इसके ऊपर बताया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आई एम बीएन गुप्ता, वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। तो सभी बच्चों को मैं इसका हिंदी में बता रहा हूँ अर्थ, और जो बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हैं उनसे कहूँगा सभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। इंट्रोडक्शन तो ये दो टुकड़ों में है, पहले आपको इसका बता रहा हूँ, फिर इसको रब करके थोड़ा सा पार्ट है इसको बाद में बताऊंगा। द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे। आज पॉल्यूशन की समस्या बहुत ही गंभीर हो गई है। इट इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। ये हमारे देश की बहुत ही मुख्य समस्याओं में से एक है। मैन हैज इंटरफियर्ड मच विद नेचर। मनुष्य ने आज प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। एयर वाटर सॉयल जितनी भी हैं वो सब प्रदूषित हो गई हैं। इट अफेक्ट्स अवर हेल्थ एंड ब्रिंग्स डिसीज। इसने हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित किया है और बहुत ही रोगों को निमंत्रण दिया है। इट हैज टू बी चेक्ड। इसको रोकना है एंड कंट्रोल इमीडिएटली, और तुरंत ही इस पर नियंत्रण पाना है। काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, जैसा आप सभी जानते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन और सॉयल पॉल्यूशन भी होता है। चार तरह के पॉल्यूशन होते हैं, ये तीन है, साउंड पॉल्यूशन भी है इसमें, मैं अभी आपको बताऊंगा। इसको नॉइज पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। एयर पॉल्यूशन है पहला। एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय द स्मोक। एयर पॉल्यूशन होता किससे है वायु प्रदूषण बच्चों? कॉज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज, फैक्ट्रियों की, मिलों की और कारखानों की चिमनियों से जो धुआं उत्पन्न होता है उससे सॉइल जो एयर पॉल्यूशन है वो उत्पन्न हो जाता है बच्चों। डीजल एंड पेट्रोल स्मोक फ्रॉम बसेस, बसों से, कारों से, मोटरसाइकिलों से, जितना भी डीजल और पेट्रोल जल करके जो धुएं में परिवर्तित होता है उससे हमारे जीवन को बहुत ही डिफिकल्ट बना दिया है। इट मे कॉज लंग डिसीज। इससे क्या होता है, फेफड़ों की बीमारियां होती है, लंग डिसीज, एस्थमा हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, आई फ्लू हो जाता है, हेडेक, सिर दर्द भी हो जाता है। अब आते हैं बच्चों, नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। वाटर इज द बेसिस ऑफ आवर लाइफ। सभी जानते हैं कि पानी हमारे जीवन का मूलभूत आधार है, लेकिन इट हैज बिकम पॉल्यूटेड, ये भी प्रदूषित हो गया है। इट इज कॉल्ड बाय द वेस्ट ऑफ एटॉमिक प्लांट। इसका ये किस वजह से होता है? एटॉमिक प्लांट्स जितने भी होते हैं उनके वेस्ट जोते हैं, उनके जो बेकार का जल होता है उसको नदियों में छोड़ दिया जाता है, पानी में छोड़ दिया जाता है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स, औद्योगिक इकाइयाँ जितनी होती हैं वो सब अपने पानी को जल में छोड़ देती हैं। द एसिड ऑफ डेड बॉडीज आर सबमर्ज्ड इनटू द रिवर। और देखा है आपने गंगा नदी में या कहीं नदियों के किनारे मृत शरीर को जला करके उसकी राख को विसर्जित कर दिया जाता है, उससे भी पानी पॉल्यूशन हो जाता है, पॉल्यूटेड। इट मे कॉज, और इसके होने से क्या होता है, कॉलेरा हो जाता है, हैजा हो जाता है, स्टमक प्रॉब्लम, पेट की समस्या उत्पन्न होती है। नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण बच्चों। इट इज सेड दैट नॉइज मोर देन 80 डेसिबल्स। ऐसा कहा जाता है कि 80 डेसिबल से बच्चों ज़्यादा की ध्वनि अगर कोई सुनता है कानों से तो डीफनेस, बहरापन हो जाता है और दूसरी बीमारियां हो जाती हैं। इट इज कॉज्ड बाय द रोर ऑफ व्हीकल्स। ये किस वजह से उत्पन्न होता है? वाहनों की तेज आवाज़, हॉर्न की आवाज़, नॉइज ऑफ फैक्ट्रियों की आवाज़, लाउड स्पीकर्स की आवाज़, डीजे की आवाज़, टेलीविजन की तेज गति से चलने वाली आवाज़ों से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। इट मे कॉज, इसकी वजह से क्या होता है, स्वास्थ्य खराब होता है और इल टेम्पर्ड, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। सॉइल पॉल्यूशन आवाज आते हैं, मृदा प्रदूषण। सॉइल पॉल्यूशन इज ड्यू टू द सॉइल डिस्चार्ज इन द ओपन बाय ह्यूमन बींग। आज देखते हैं हम कि आदमी खुले में ही क्या करता है, सामान को फेंक देता है, कूड़े कबाड़े को फेंकता है, कचरे को। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स, जंगलों का कटाव हो रहा है, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे बच्चों उतना ही ज़्यादा हमारा सॉइल पॉल्यूशन बचेगा, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें जो होती हैं वो मृदा को जकड़ करके रखती हैं, पॉल्यूटेड होने से बचाती हैं, बहने से। वी नो दैट फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हम जानते हैं कि फॉरेस्ट
जो होते हैं वो क्या करते हैं, मृदा क्षय को रोकते हैं। तो ये आपके चारों तरह के मैंने पॉल्यूशन बता दिए, अब इनको कैसे बचाव करें, हाउ टू चेक इट, इसको कैसे हम रोकेंगे, इसको मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद थोड़ा सा पहाड़े में रब करके अभी इसको बताने जा रहा हूँ। तो ये बचा हुआ जो पार्ट है बच्चों, देखिए हाउ टू चेक पॉल्यूशन, ये कैसे करते हैं। टू चेक पॉल्यूशन, प्रदूषण को रोकने के लिए बच्चों, देयर शुड बी नो डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटाव नहीं होना चाहिए, पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पीपल शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द स्ट्रीट, गलियों पर सड़कों पर कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, वी शुड कंट्रोल द पॉपुलेशन, हमें जनसंख्या को नियंत्रण में रखना चाहिए, द प्योरिफिकेशन ऑफ रिवर्स, नदियों का शुद्धिकरण होना चाहिए, समय समय पर सफाई होनी चाहिए, यूज ऑफ अनलीडेड पेट्रोल इन द व्हीकल्स, शीशा रहित पेट्रोल ही वाहनों में डालना चाहिए, आर द सम स्टेप्स, ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको सभी को लेना चाहिए, तभी हमारा पॉल्यूशन रुक सकता है। कंक्लूजन में देखिए, कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की इस गंभीरता को ध्यान में रखते हुए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार है सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, भारत सरकार ने एक पर्यावरण का एक डिपार्टमेंट भी, विभाग भी बना दिया है, जिससे कि ये कंट्रोल हो सके, द पीपल ऑफ आवर कंट्री शुड ऑल्सो कॉपरेट, और इसे नियंत्रण में रखने के लिए हमारे देश के लोगों को भी सहयोग की देने की आवश्यकता है। तो ये मेरा बहुत अच्छे से मैंने आपको दो पार्टों में बताया, एक जगह लिख लेंगे और आराम से इसको लर्न करेंगे, समझ रहा हूँ सभी ने अच्छे से किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं बाद में, टिल देन गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।